राजधानी देहरादून के हॉस्पिटल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 1 साल तक के बच्चे के मुफ्त इलाज की सुविधा दून हॉस्पिटल में मिलने जा रही है, और यहां तक कि परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक बच्चों के इलाज का कोई भी खर्च नहीं देना होगा। जैसे हॉस्पिटल में गर्भवती महिला का इलाज, जाँच और भर्ती निःशुल्क होती है, ठीक उसी प्रकार 1 साल तक के बच्चे को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून हॉस्पिटल की तरफ से की गई है, और यह एक अच्छी पहल भी मानी जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने दो स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक वीजा बोई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचों और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चों डील करते हैं उनको बता दिया गया है, और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे, और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में अवेयर रहें।